तो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब देख रहे हैं मैं बाढ़ स्टेशन आ गया हूँ। यहाँ से पटना जाने में 3 से 4 घंटा लगेंगे। दोस्तों, काफ़ी देर से मैं ट्रेन का वेट कर रहा था, अब ट्रेन आ चुकी है। अब मैं आप सबको मिलता हूँ पटना में। जैसा कि गाइस, मैं पटना पहुँच चुका हूँ। ये पटना स्टेशन है, मैं पटना पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे पास में ये महावीर मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये महावीर मंदिर है पटना जंक्शन का, बजरंग बली का मंदिर फेमस है पटना का। ये जंक्शन में है, पटना जंक्शन। तो हेलो गाइस, जैसा कि आप देखिए, ये कृष्ण भगवान का मंदिर है, ये न्यू बना है, अच्छे से देखिए। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि कृष्ण भगवान और राधा भगवान ऊपर रहते हैं, उनका पूजा आरती सब ऊपर ही होता है। अब मैं आपको ऊपर की तरह ले जाता हूँ। जी के आरती देख लिया, लेट हो गया थोड़ा, लेकिन टाइम पे पहुंचा था। आरती भी देख लिया, अब पूरा सब कुछ आपको दिखा दिए और यहाँ से हम निकल रहे हैं और आपको नेक्स्ट आगे का व्यू दिखाते हैं। गाइस, मैं चिड़ियाघर पहुंच चुका हूँ पटना का व्यू, और मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। पहले टिकट लेना पड़ेगा, मैं फिर इसके अंदर आपको सब सारा व्यू दिखाता हूँ। इसके अंदर आ गया हूँ, अब आपको दिखाता हूँ जू का सारा व्यू कि जू में क्या क्या है, और मैं आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते जाता हूँ। देख रहे हैं, और मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना सकता इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जू बहुत बड़ा है। मैं काट काट के आपको दिखाता हूँ जगह जगह पे। दोस्त, आप लोगों को जू का व्यू बहुत अमेजिंग लगा होगा और हम नेक्स्ट व्यू की तरफ चलते हैं। तो हेलो गाइस, जैसा कि मैं म्यूज़ियम आ गया हूँ, बिहार म्यूज़ियम। सबसे पहले टिकट लेना पड़ा, टिकट लेकर अब टिकट चेक होगा, उसके बाद हम अंदर जाके आपको सारा व्यूज दिखाते हैं। तो जैसा कि मैं सिटी सेंटर पहुंच गया हूं, अब इसके अंदर जाके सारा व्यूज़ दिखाता हूं।